तो का सर आज सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा बड़ी दिक्कत हो चुकी है मैं आज टीवी नहीं चला सकता क्योंकि आज सुबह सुबह सफाई करते करते मैंने अपना जो टीवी का रिमोट था वो स्विमिंग पूल के अंदर गिरा दिया है आज जब मैं यहाँ पर सफाई कर रहा था मेरे हाथ में टीवी का रिमोट था और वो सीधा जाके पानी में जाके गिर गया तो इसलिए मैं अपनी टीवी नहीं चला सकता इसलिए मुझे फटाफट से अपना टीवी का रिमोट ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं टीवी चला सकू और देख सकू लॉस एंटॉस में क्या चल रहा है तो फटाफट से पानी के अंदर कूद चलो फटाफट फड़ से चलते हैं पानी के अंदर और हमें यहाँ पर रिमोट ढूंढना है तो पानी के बिल्कुल अंदर ही जाना पड़ेगा तो और मुझे अपना यहाँ पर मिल चुका। यही मेरे टीवी का रिमोट है रुक थोड़ी सी ले लेते, फिर से अंदर चलते हैं चलो फटाफट से रिमोट को उठाते हैं और जल्दी से ऊपर चलते हैं तो कहा सर पानी में से रिमोट ले तो पर मुझे लगता नहीं ये चलने वाला ये रिमोट पूरा का पूरा गीला हो चुका है और ये रिमोट अब हमारे कुछ भी काम का नहीं है मुझे लगता है नया रिमोट लेने है। तो आ जाने वाली है? टीवी पे एक बहुत ही खतरनाक न्यूज इसलिए जल्दी रिमोट लेके आने वाला हूँ से सब अपना शॉर्टकट लेंगे और सीधा दुकान पर पहुंचने वाले है चलो फटाफट से खुदा दे किसी के घर के ऊपर से मैं खुदा के सीधा शॉर्टकट लेके पहुंचने वाला हूँ उस दुकान पे तो उस पर हम पहुंचने वाले जहां पर हमें अपना रिमोट मिलने वाला है और हम यहाँ पर आ चुके हैं चलो फटाफट फड़ से रिमोट तो फड़ लाओ पचास रूपए तो मैंने अपना रिमोट खरीद लिया और मैं जाने वाला हूँ घर पे आखिरकार मैं अपनी टीवी चालू कर पाऊंगा सुबह से टीवी नहीं देख पाया था क्योंकि रिमोट हमारा खराब हो चुका था पर अब हम वापस अपनी टीवी देख पाएंगे चलो फटाफट से अपनी टीवी स्टार्ट करते हैं तो हम अपने घर पे आ चुके हैं रिमोट लेके चलो फटाफट फड़ से टीवी स्टार्ट करते हैं आखिरकार में देख पाऊंगा क्या चल रहा है लॉस सेंटोस में मित्रों क्या तुम जीतना चाहते हो ये खतरनाक सा मेंशन? तो तुमको इन तीन चैलेंज में पार्टिसिपेट करना होगा सबसे पहला चैलेंज ये खतरनाक रैम चैलेंज दूसरा चैलेंज है हंटिंग का चैलेंज और आखिरी चैलेंज है ये खतरनाक सी रेस जो भी इन तीनों चैलेंजेस में जीतेगा उसको मिलेगा ये खतरनाक सा मेंशन विद बहुत ही खतरनाक खतरनाक सुपरकार तो मित्रों अगर चैलेंज में पार्टिसिपेट करना तो आइए इस एड्रेस पर तो कहे सर अभी मैंने न्यूज देख है लॉस होने वाला एक खतरनाक सा चैलेंज और मुझे और मुझे इसी चैलेंज का वेट था इसलिए तो मैं इतनी देर से बोल रहा था कि टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा पर आखिरकार मुझे अपना टीवी का रिमोट मिल चुका था और फिर मैंने न्यूज भी देख लॉस में एक खतरनाक सा चैलेंज होने वाला है जो की नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो इस चैलेंज में तीन तीन खतरनाक चैलेंज होने वाले है सबसे पहला हमें बताया था रैम चैलेंज दूसरा था हंटिंग तीसरी थी एक रेस तो कैसा अगर मैं वो तीनों चैलेंज में जीतता हूँ तो मुझे मिल सकता है एक नया नया चमचमाता

जीत जाऊं तो फटाफट से कमेंट में लिख दो गुड लक फ्रैंकलिन और हम जा रहे हैं सीधा उस चैलेंज करने मित्रों तुम सबका स्वागत है इस खतरनाक चैलेंज में हमारे सारे के सारे कंटेस्टेंट आ चुके हैं तुम सारे कंटेस्टेंट में से आज कोई जीतेगा वो खतरनाक सा मेंशन और बहुत सारी गाड़िया क्या तुम तैयार हो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ हूँ मैं भी तैयार हूँ मैं भी तैयार हूँ हाइक भी तैयार हाँ है अबे इस कुत्ते को किसने बुला दिया चैलेंज में मित्रों इस चैलेंज में कोई भी आ सकता है इसलिए भी आ चुका है चलो चैलेंज को शुरू करते हैं यहाँ से अपनी गाड़ियों को लेके जाना पड़ेगा फिनिशिंग लाइन पर उसके बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आने वाले सबको क्रॉस करते करते जो भी फिनिशिंग लाइन पे पहुँचेगा वो जाएगा अगले चैलेंज पर मित्रों शुरू करते हैं। अरे सबसे पहले तो मैं ही चाहूंगा सबसे पहले स्पाइडरमैन की और वो अपनी गाड़ी को भगाते हुए जा रहा है। देखते है क्या ये इस रैम को को कंप्लीट कर पाएगा या फिर किसी में जाके जाएगा और अपनी खुदा लिया है नीचे पानी और आगे रोड है और उसने रोड पर लैंड कर लिया है अरे ये तो बहुत है। तुम देखो मैं कितनी और काइजर ये क्या स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा स्पीड में नीचे जा रहा था और स्पाइडरमैन होता है डिसक्वालीफाई <गग़ी> तो कहा सर अब ये कुत्ता जाने वाला है मैंने कभी किसी कुत्ते को गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा और रैम चैलेंज करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं देखा तो देखते हैं क्या ये कुत्ता स्पाइडरमैन से अच्छा है या फिर ये उसी की तरह कमजोर है मतलब यार उससे भी रैम चैलेंज नहीं हुआ था इससे होगा कि नहीं अभी थोड़ी देर में पता ही जाएगा और ये अपनी गाड़ी को फुल स्पीड भगा रहा है वो मुझे दिखाई दे रहा है कुत्ता इतनी ज्यादा स्पीड में अपनी गाड़ी को चला रहा है आपको क्या लगता है ये जीतेगा या फिर हारेगा फटाफट से कमेंट करके बता दो मुझे लगता है ये कुत्ता यार इसको कौन सी गाड़ी चला ढंग से आती होगी या आराम

वाला है और ये आखिरी जंप यहाँ पर आ चुका है और इसको तेरे खुदा ली अपनी गाड़ी बौौ, बौ, बौ, बौौ। और ये तो सीधा फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पर पहुंच चुका है तो काइजर इस कुत्ते ने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया और ये सीधा फर्स्ट वाली पोजीशन पर आ चुका है अब तो मैं जाऊंगा मेरी बारी आ चुकी है तो क्या सर अब ये अजीब से दिखने वाले वैनम की बारी आ चुकी है जिसकी तीन तीन मुंडिया है और अभी ये जाने वाले देखते हैं क्या ये उस कुत्ते से अच्छा है वो कुत्ता मेरे सामने कुछ नहीं है मैं ये चैलेंज आराम से जी जाऊंगा तो कैसे ये वैनम पता नहीं क्यों बात ऐसे कर रहा है मतलब यार गाना गाते गाते बात कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों क्यो, क्यो, क्यो? क्या अरे यार बैनम तो डिसक्वालीफाई हो गया ये वैनम के बच्चे को तो गाड़ी नहीं चलाना थी। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे चलाते हैं गाड़ी और इस चैलेंज को कैसे जीतते हैं ये चैलेंज के लिए बहुत इजी है हा, हा, हा। मेरी बात सुनो जो भी ये वीडियो देख रहे अगर आप हल्क को सपोर्ट करना चाहते हो तो फटाफट से कमेंट में लिख दो हल खतरनाक और हल के लिए वीडियो को भी लाइक कर दो क्योंकि हल्के चैलेंज जीतने वाला है तो कैसे की बारी आ चुकी है और इसने ये खतरनाक सी ऑफ रोड वाली गाड़ी ले ली है ये गाड़ी कितनी ज्यादा बड़ी

कि हमारा हल्क और वो खतरनाक सब कुत्ता

गोल गोल घूमते घूमते अपनी गाड़ी को लेके जा रहे क्या ये पहुंच पाएगा क्या ये पहुंच पाएगा मुझे लगता है मेरी गाड़ी नहीं पहुंच पाएगी मैं इधर से कूदने वाला हूँ ये मैं पहुंच गया तो सर, अभी आयरन मैन ने भी ये चैलेंज कम्प्लीट कर लिया है वो भी पैराशूट के साथ ऐसा कुछ था नहीं की गाड़ी के साथ कम्प्लीट करना है तो हमारा यार आयरन मैन पहुंच चुका पैराशूट के साथ और हमारे आयरन मैन ने भी ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया है मित्रों आप सिर्फ एक ही चना बचा है check that

तुम सबका स्वागत है अगले चैलेंज में इस चैलेंज का नाम है हंटिंग चैलेंज मित्रों तुमको दो जानवरों को हंटिंग करनी है अगर तुम एक डियर को मारते हो तो तुम्हें मिलेंगे पांच पॉइंट अगर तुम एक शेर को मारते हो तो तुम्हें मिलेंगे दस पॉइंट इस चैलेंज के एंड में जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वो ये चैलेंज जीतेगा चलो शुरू करते हैं सबसे पहले आयरन मान चलो ठीक है मैं इस चैलेंज को जीत के दिखाऊंगा अगर मैं एक हिरन मारूंगा तो मुझे पांच पॉइंट मिलेंगे अगर मैं एक शेर मारूंगा तो जो मुझे दस पॉइंट मिलेंगे तो अगर मैं दस शेर मारू तो मुझे सौ पॉइंट मिलेंगे चलो फटाफट से शेरों को ढूंढते शेर शेर कहाँ पर हो तुम अभी मुझे सामने हिरन दिख रहे वैसे तो मैं शेरों को ढूंढ रहा था पर कोई बात नहीं मैं हिरन से भी काम चला लूंगा ये लो ये लो दो हिरन मार दिए मेरे दस पॉइंट हो चुके हैं तो काइजर अभी आयरन मैन ने दो दो डियर मार दिए और उसके दस पॉइंट हो चुके साढ़े चार मिनट बचे अभी मुझे यहाँ पर बहुत सारे शेर दिख रहे मैं इन शेरों को मारने वाला हूँ इनको पता भी नहीं चलेगा को मार दिया बाकी सबको भी नहीं छोड़ूंगा वा 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 वा। मुझे बचाओ अरे मुझे बचाओ अरे मुझे बचा और जरिए क्या हो गया आयरन मैन को तो वो शेर किया गया मित्रों आयरन मैन होता है डिसक्वालीफाई अब बारी हल्की अब हल्की बारी आ चुकी है हल्क आयरन मैन की तरह डरता नहीं है हल्क सबको मारेगा कोई भी शेर उससे नहीं मार पाएगा हल्क किसी को नहीं छोड़ेगा ये लो अरे हल्क इंसानों को नहीं मार रहा था इसने सारे इंसानों को मार दिया हल्क सबको मारेगा हल्क के सामने जो भी आएगा हल्क उसे मारेगा हल्क को सामने बहुत सारे सुअर दिख रहे इनके ऊपर हल्क पंप फेंक के उड़ा देगा सबको मार दिया मुझे कितने पॉइंट मिलेंगे अरे हल जीरो पॉइंट मिलेंगे सुअर को नहीं मारना था हिरन और शेरों को मारना था ये सुअर को क्यों मार रहा है हल से गलती हो गई पर तुम टेंशन मत लो हल हिरन और शेरों को भी मारेगा रुक जाओ हल को हिरनों की खुशबू आ रही है कहाँ पर है हिरन कहाँ पर हो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ये क्या इतने सारे हिरण यहाँ पर तो बहुत सारे हिरन है मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा ये लो हा, हा, हा। मैंने यहाँ पे छह हिरन को मार दिया मतलब मुझे पॉइंट मिल गए तो अभी पे छह छह को मार दिया है। और उसको यहाँ पर तीस पॉइंट मिल चुके हैं आयरन मैन के सिर्फ दस पॉइंट थे और हल्के हो चुके तीस पॉइंट तो इसने आयरन मैन को तो बीट कर दिया है हल्के पास अभी भी टाइम बचा है हल्के और भी हिरन को मारेगा ca para ir al कहा पर है शेर अरे ये क्या सामने से दो दो शेर आ रहे अरे भागो भागो एक सेकंड मैं भाग क्यों रहा मैं तो हल्कू मुझे किसे डरना नहीं चाहिए ये, ये लो शेर के बच्चों मैंने दो दो शेर भी मार दिए तो अभी हल्क ने दो दो शेर मार दिए मतलब बीस पॉइंट को और मिलते हैं मतलब हल्क का टोटल हो चुका है फिफ्टी पॉइंट और हल्क का टाइम यहाँ पर खत्म हो चुका है हल्क ने टोटल फिफ्टी पॉइंट कर रही है हल्के आस पास भी कोई नहीं पहुंच पाएगा तो खाए सर अभी बारी आ चुकी मेरी हल्क ने पचास पॉइंट कर लिए देखते हैं मुझे कितने पॉइंट मिलने वाले अगर मुझे जीतना है तो आयरन मैन तो ऑलरेडी डिस्कालीफाई हो चुका है तो अगले चैनल में जाने के लिए मुझे पचास पॉइंट या फिर उससे ज्यादा करने पड़ेंगे चलो फटाफट से ढूंढते हैं बहुत सारे डियर्स को या फिर बहुत सारे शेर को मैं तो किसी को नहीं छोड़ने वाला तो खाए सर अभी आप देख सकते हो मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ चुका हूँ यहाँ से पूरे जंगल का मुझे व्यू आने वाला है और आप सामने देख सकते हो कितने सारे हिरण मुझे दिखाई

यहाँ से निकल लेते हैं उससे पहले कि सारे के सारे शेर मेरे पर अटैक करते हैं फटाफट से यहाँ से चलते हैं मित्रों बहुत बढ़िया आज का हाई स्कोर है हंड्रेड आप बारिश कुत्ते की देखते हैं ये क्या करता है अरे कहा ये तो कुत्ता है ये कौन सा शेर और हिरण से लड़ने वाला है पाँ, 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 देखते हैं ये क्या करने वाला है मुझे नहीं लगता ये आयरन मैन तक ही पहुंच पाएगा ये थर्टी स्कोर भी नहीं कर पाएगा वो तो ये थोड़ी देर पता चल ही जाएगा कितना स्कोर ये करने वाला है अबे ये कौन से गाने गा रहा है क्या कर रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा अरे ये क्या हो गया अरे आप देख सकते हो ये कितने सारे लॉयन यहाँ पर आ चुके हैं अबे ये कैसे किया और इसने तो गन भी निकाल लिया और ये क्या एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस इस कुत्ते ने यहाँ पर तेईस लॉयंस को मार दिया है मतलब इसके हो गए टू हंड्रेड थर्टी पॉइंट और मेरे कितने कम पॉइंट थे और 100 पे और उसके 230 हो चुके हैं पाऊ पाऊ मेरे तो बोला ही था मैं सबसे खतरनाक हूं पाऊ अरे काय सर कुत्ता तो सही मैं बहुत ही खतरनाक है इसने सबसे ज्यादा स्कोर कर दिया 230 पॉइंट्स का मित्रों इस चैलेंज के विनर है ये अच्छा सा खतरनाक सा कुत्ता और आयरन मैन होता है डिस्क्वालीफाई इसलिए आखिरी चैलेंज में तुम तीनों जाने वाले हो क्या तुम तैयार हो मैं बिल्कुल तैयार हूँ पर क्या सर अगले चैलेंज में मुझे इस कुत्ते का ध्यान रखना पड़ेगा ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इसने रैम चैलेंज भी बहुत ही अच्छी तरह करा था और ये हंटिंग चैलेंज भी बहुत अच्छा करा है पर आखिरी चैलेंज तो मैं ही जीतने वाला हूँ मित्रों तुम सबका स्वागत है आखिरी चैलेंज में ये होने वाली है एक रेस और इस रेस में जो मैं जीतेगा उसको मो मेंशन मिलने वाला है और तुम्हारे साथ और भी बहुत सारे रेसर्स दौड़ेंगे अगर उनमें से कोई जीता तो ये मेंशन उनका हो जाएगा चलो रेस को शुरू करते हैं तो गाइस सर अभी यहाँ पर ये रेस स्टार्ट हो चुकी है भागो हल्क हमारे पीछे हैं। और ये बहुत सारे और भी जने जो कि भाग रहे जो कि रोज रेस करते हैं तो इनसे मतलब हमें है नहीं हल्क या फिर या फिर फिर कुत्ता मैं हल्के में से कौन जीतेगा वो हमको पता करना है चलो फटाफट से तेज तेज स्विमिंग करते हैं हमें सबसे आगे जाना पड़ेगा चलो 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 जल्दी जल्दी फुल स्पीड में स्विमिंग करते हैं मैं पानी के अंदर से तेज तेज स्विमिंग करके यहाँ पे आगे आ चुका हूँ और मेरे पीछे अभी भी बहुत सारे स्विमर्स आप देख सकते हो जल्दी जल्दी स्विमिंग

कर रहा है मैं इसको तेज से नहीं आ सकता रुक कि ये कितनी कि ज्यादा तेज साइकिल चला रहा है पा, 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 मैं ही

काइज़र अभी बस ये रेस खत्म होने वाली है और वो कुत्ता मेरे से जल्दी नहीं पहुंच सकता और ये रेस खत्म हो गई पर काइज़र ये कुत्ता तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है ऐसा कैसे हो सकता है तो काइज़र अभी इस कुत्ते ने मेरे से पहले ये रेस कंप्लीट कर दी मित्रों बहुत-बहुत बधाई बहुत मित्रों बहुत-बहुत बधाई बहुत हो ये कुत्ता ये रेस जीत चुका है और ये चैलेंज भी वो खतरनाक सा मेंशन इस कुत्ते का होता है अरे ये कैसे हो सकता है ये कुत्ता कैसे जीत गया मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी इतनी बड़ी रेस करके आया इतने सारे चैलेंज करके आ गया और मैं ये चैलेंज हार गया तो कई अब अभी हम इस कुत्ते के नए नए घर पर आ चुके जो कि आज इसने ये चैलेंज में जीता है पाँ। 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 हाँ हाँ मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा कुछ है तो गाइस सर आपको फटाफट से घर दिखा देते हैं सबसे पहले अंदर घुसते हैं यहाँ पर सारी की सारी गाड़ियों का कलेक्शन रोल्स रॉयस ये खतरनाक सी बाइक विंटेज कार और ये सुपर कार पता नहीं क्या क्या यहाँ पे गाड़ियों में खड़ा है उनके गैराज में भी गाड़ियां खड़ी है चलो फटाफट से देखते हैं कौन कौन सी गाड़ी हमें मिलने वाली है तो गाइस सर यहाँ पे देख सकते हो तो एक लैम्बोर्गिनी एक रेंज रोवर कितनी ज्यादा खतरनाक है इसका घर सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मुझे समझ नहीं आ रहा ये कुत्ता मतलब इस घर में

ज्वेलरी पहन के घूमेगा ये इसका बढ़िया सा किचन और इसका स्विमिंग पूल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है सबसे अच्छी चीज मुझे घर में स्विमिंग पूल लगी और भी घर यार बहुत ही ज्यादा मस्त है यहाँ से लॉस सेंटोस का व्यू आता है कुल मिला के ये घर तो अच्छा है पर सबसे ज्यादा घर के गाड़ियों का कलेक्शन सबसे ज्यादा अच्छा ये मर्सडीज यहाँ पे खड़ी है यहाँ पर एक और मर्सिडीज खड़ी है यार पाँ पाँ चलो मेरे घर से बाहर निकलो ये मेरा घर है हाँ हाँ मुझे पता है ये तेरा घर है चलो मैं जा रहा हूँ जाओ रुक जाओ रुक तुमने मुझे बहुत ही अच्छा कॉम्पिटिशन दिया बहु बहु इसलिए मैं तुम्हें एक गाड़ी देता हूँ तुम इनमें से कोई भी गाड़ी ले सकते हो क्या सही में इनमें से कोई भी गाड़ी ले सकता हूँ हाँ। भी। अरे थैंक यू थैंक यू ये तो बहुत ही अच्छा कुत्ता है तो कौन सी गाड़ी ली जाए ये वाली मर्सिडीज की ब्लैक वाली एक काम करते हैं ब्लैक वाली ले मुझे बहुत ही मस्त लग रही है तो वैसे तो हम ये हार थे, पर उस कुत्ते ने हमें एक खतरनाक सी मर्सिडीज दे दी जो की बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है चलो इसको लेके चलते अपने घर पे हम हम एक नया मैं तो नहीं जीत पाए पर एक नई गाड़ी जरूर जीत गए तो गाय सर की बर से अगर आपको अच्छी लाइक कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना पता नहीं सर की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो और कैसे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके ज्वाइन और फॉलो करना और कैसे हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय